राजधानी दिल्ली की 5 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और बीजेपी ने तीसरी बार सांसद मनोज तिवारी पर भरोसा जताया। सीधा बातचीत करेंगे। सर, तीसरी बार भरोसा जताया है और सबसे बड़ी बात यह है 4 सांसदों का टिकट कटा है, तो कैसे देख रहे हैं कि दोबारा से आपको जिम्मेदारी दी है, कि कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी टिकट मिलने और ना मिलने को बहुत बड़ा नहीं मानती। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है देश की गति, देश की सुरक्षा और देश के गरीब से गरीब दरवाजे तक सरकार की योजनाएं पहुंचना। तो अब इसमें ठीक है, मुझे टिकट मिला, खुशी की बात है, लेकिन जिसको नहीं मिला वो भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि वो बहुत उदास हो गया या बहुत निराश हो गया। छोटी मोटी बातें तो होती हैं, लेकिन पार्टी सबके लिए कुछ न कुछ सोच के रखते। तो हमारे यहाँ जिम्मेदारी लगाई जाती है, हमको कुछ और लगा देंगे, विभिन्न आयोग कुछ और लगा देंगे, सुभाष भगत को कुछ, भगत टोकस को कुछ और लगा देंगे, चलेगा। जो भी पार्टी काम देती है हम खुशी खुशी उसको करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अब संस्कृति हो गया है कि जो भी काम देंगे करके देंगे, देश का नाम उजागर करके रहेंगे। सर, इस बार चैलेंज थोड़ा बड़ा इसलिए देखा जा रहा है कि पहले जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है सीट वोट्स बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार 1:1 हो रहा है, तो कैसे देख रहे हैं चैलेंज बड़ा है? ये चैलेंज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़ा हो गया है, हमारे लिए नहीं। अभी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो निराशा के घोर अंधेरे में डूब गए हैं, और इस समय लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते थे ऐसा बेमेल गठबंधन होगा। आप देखिए, कांग्रेस के खिलाफ ही तो आम आदमी पार्टी आई थी, जितनी गालियां दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस को, शीला दीक्षित जी को, क्या वो कांग्रेस के लोग भूल सकते हैं? और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इन दोनों का अगर दूसरा विकल्प पूछिएगा तो नरेंद्र मोदी जी को जिताना है। तो आज जो ये बेमेल गठबंधन हुआ है, कार्यकर्ता बैठ गए हैं और इस चुनाव में वो सब नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए वोट देंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि उनका मन टूट गया, वो निराश हो गए हैं। राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी भले मिल गए, इनकी कोई नैतिकता नहीं होगी, लेकिन कार्यकर्ताओं की नैतिकता है और उसके अनुसार आप रिजल्ट देखिएगा। सर, पूर्वांचल के अगर प्रमुख चेहरे हम देखें तो वो जीत दर्ज करते आए हैं और 195 सीटों में 4 भोजपुरी जो स्टार्स हैं उनका नाम है, तो ये क्या कनेक्शन है भाजपा और भोजपुरी स्टार्स का? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कृपा है। देखिए, एक बंगाल से आया है, नहीं आए हमारा छोटा भाई है पवन सिंह, तो आसनसोल में जो सीट है वहाँ वहाँ का जो क्राइटेरिया आप देखिएगा, वहाँ 50% बिहार के ही और पूर्वांचल के लोग हैं, तो वहाँ एक मौका मिल गया। वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा जी भी चुनाव लड़ते हैं टीएमसी के तरफ से, तो अब आप उस सिचुएशन को समझ सकते हैं। रवि किशन ने एक अच्छा परिचय दिया गोरखपुर से काम करते हुए, और निरहुआ तो वो सीट के लाया जो इतिहास में कभी हम जीते ही नहीं थे। तो ये सारे चारों जो मिला है, हम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का, मोदी जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, सब शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम अलग अलग राज्यों में हम लोगों को ऐसा मौका मिला है और हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। मोदी जी ने 370 बीजेपी के लिए मांगा, हम 375 करके देने की तैयारी में हैं, और 400 मांगा है, हम 400 से बहुत ज्यादा देंगे, इसके लिए हम पूरे देश में काम करेंगे। सर, खुशी का मौका है, अगर 2 गुण गुनगुना देते तो? नहीं, देखिए, हमारा तो एक ही भाव है, एक ही गीत है कि भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। मोदी जी, नमो हैट्रिक होगी, हम दिल से प्रार्थना करते हैं, दिल्ली तो दिल खोल के देगी ही, पूरा देश इस समय राममय है, और बुरा मत मानिएगा, मोदी जी के कार्य से मोदीमय है।